लुधियाना के नागरिक और नागरिक समाज आज धनांसु गांव के पास बुद्ध नालापुर में प्रदूषण मुक्त बेहतर वातावरण के लिए एक साथ आए। सतलुज और मटेवारा वन के लिए जन कार्यवाही समिति द्वारा विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। आज पंजाब को पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक परियोजनाओं की जरूरत है, जो हवा, पानी या मिट्टी के प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं और मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए रंगाई, कपड़ा, कागज, कार्डबोर्ड, पेंट आदि जैसे प्रदूषणकारी उद्योगों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इस समय राज्य की औद्योगिक नीति में इस तरह के बदलावों की सख्त जरूरत है। पीएसी के कुलदीप सिंह खैरा ने कहा, ये समय आरक्षित वनों से सटे सतलुज के बाढ़ मैदानों पर प्रस्तावित स्थान से मटेवारा, क्रम कला, टेक्सटाइल, डाइंग पार्क के स्थान को बदलने पर विचार करने का है। एनजीडी का ऐसी कोई मनमानी और उल्लंघन नहीं है, पंजाब के लोगों के लिए आदि स्वीकार्य है। ये बहुत बेहतर होगा यदि सरकार उद्योग पार्कों को रंगने के बजाय सतलुज तट पर जैव विविधता पार्कों के विकास पर विचार करती है, जैसा कि विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर सीआर बाबू द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जो पंजाब की परिस्थितियों को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा।